तो फाइनली हम लोगों ने 2024 में कदम रख ही लिया, और जो पिछला पॉडकास्ट आया था उसे काफ़ी वक्त हो गया, यानी 1 साल से ऊपर हो गया। अक्सर होता ऐसा है कि जब नया साल आता है और नए साल में हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ नया किया जाए, कुछ कुछ यूनिक किया जाए, कोई नई शुरुआत की जाए, और जो हम कर रहे थे पहले उससे कुछ बेहतर किया जाए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पॉडकास्ट किस टॉपिक पर बनाया जाए, जो इस साल का पहला एपिसोड हो वो किस टॉपिक पर बनाया जाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था सोचना। खैर, काफ़ी वक्त हो गया इस नए साल में, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही है, तो सोचा कहानियों से शुरुआत की जाए। और नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। स्टोरी टेलिंग को अगर आप देखेंगे, स्टोरी टेलिंग एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म तो है ही, लेकिन जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें ये बहुत काम आता है। अब जो भी बड़े स्पीकर हैं या बड़े नेता हैं, हम उन्हें ही अच्छा वक्ता मानते हैं, जो किसी न किसी तरह अपने सुनने वालों को अपनी बातों पर भरोसा दिला सकें। और कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या फिर जो बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि अच्छा बोल पाते हैं, स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है उनके पास है, तो वो बहुत आगे जाते हैं और लोग भी उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। और होता ये है कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बचपने से भरे होते हैं, तो हम सभी स्टोरी टेलर होते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, जैसी भी आपकी उम्र है उसके हिसाब से, तो जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमें कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत पसंद था। तो अक्सर हम अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर या फिर अपनी जो अपना जो क्रिएटिव माइंड है, जो हमारी कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन है, उसको हम लेकर आते थे और कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते थे, अपने दोस्तों को सुनाते थे या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते भी थे और उनको भी सुनाते थे। आज का ये जो एपिसोड है कहानियों को ही डेडिकेट करने का सोचा है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हॉरर और थ्रिलर जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी पसंद आती हैं, और सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी को इस तरह की कहानियों से डर लगता है, वो नहीं सुनना चाहते या नहीं देखना चाहते मूवीज़ भी, पर मुझे डर तो नहीं लगता। खैर, अब नहीं लगता, हो सकता है किसी ज़माने में लगता हो, पर वो बहुत इंट्रीगिंग लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब हॉरर मूवीज़ देखना या फिर हॉरर या थ्रिलर स्पेशली बुक्स पढ़ना या फिर कहानियाँ देखना, तो ये कहाँ से आया होगा पता नहीं। बट अगर मैं अपने बचपन की ही बात करूँ तो एक जो कहानी है जो कि मुझे सुनाई गई थी उन दिनों, वो कितनी सच्ची है कितनी नहीं है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस पॉडकास्ट के ज़रिए सोचा कि आप सभी को सुना दूं। और कहानी तो कहानी ही होती है, कहीं ना कहीं से तो वो निकली ही होती है, तो उसमें कुछ सच और कुछ इमेजिनेशन होता है। तो बात ऐसी है कि जो मेरा गांव है यहीं बिहार में, वो सही मायने में एक गांव है। मतलब कि वहां पर पक्की सड़कें नहीं हैं, अभी भी कच्ची सड़कें ही हैं। शायद अब कुछ पक्की सड़कें भी गांव के अंदर तक आई हों, पर मुझे काफ़ी वक्त हो गया वहां गए हुए। वो जो गांव है वो एक नदी से घिरा हुआ है, तो अगर आपको कहीं भी जाना हो तो पहले आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, फिर जो नदी आएगी फिर उसको आपको नाव के सहारे क्रॉस करना होगा, फिर आपको फिर पैदल चलना पड़ेगा काफ़ी देर रेत में, और तब जाकर आप एक छोटे जो कस्बे में पहुंचते हैं या एक टाउन में पहुंचते हैं जहाँ पे सब ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये कहानी है मेरे मामा जी की, जब वो यंग स्टूडेंट रहे होंगे उस वक्त की बात है। तो एक दिन यूं हुआ कि मामा उस वक्त पढ़ाई करते थे, रोज़ की तरह वो नाव पे सवार हुए, क्रॉस किया गए, और वापसी में आते वक्त उन्हें देर हो गई, और उन्हें नानी ने काफ़ी बार बताया था कि हिदायत दी थी कि अगर देर हो जाए तो अपनी रात को ना आए सेफ्टी रीजन से, क्योंकि जो जो एरिया है वो काफ़ी सिक्लूडेड सा है नदी के आसपास, और क्योंकि
क्योंकि पैदल चल के आना होता है और अंधेरा भी रहता है काफ़ी वहाँ उस वक्त। कोई ऐसे लाइट्स की जो जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वैसा कुछ नहीं था वहाँ पे, अंधेरा मतलब बिल्कुल धुप अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ अगर चांदनी रात हो तो अलग बात है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मामा लेट हो गए, और अब यंग लोग होते हैं वो आधी बातें सुनते हैं और आधी सुनकर भी नहीं सुनते, तो वो चले आए। और नदी के किनारे जब वो पहुंचे तो देखा वहाँ कोई था नहीं, ऑब्वियसली रात का टाइम था, और जो नाव चलाने वाला होता है वो भी इस वक्त तक तो जा चुका होता है, क्योंकि जैसा कि है वहाँ पे कि भाई रात को तो लोग आना जाना करते नहीं हैं। तब उन्हें लगा कि यार अब तो दिक्कत हो गई है, वापस जाना पड़ेगा और किसी फ्रेंड के यहाँ, या मतलब रात बितानी पड़ेगी और घर से जो डांट पड़ेगी वो अलग, क्योंकि वो जो ज़माना होता था वो मोबाइल फ़ोन वाला तो था नहीं कि फटाफट कॉल किया और बता दिया, वो ज़माना था टेलीग्राम वाला, और जो फ़ोन भी होते थे वो इक्का दुक्का घरों में होते थे और गांव में तो क्या ही होंगे उस वक्त। तो उन्हें लगा कि भाई अब तो बुरे फंसे। तो जैसे ही वो मुड़कर जाने लगे एक बार उनको लगा कि यार चांस ले लिया जाए, तो उन्होंने आवाज़ लगाई नदी के उस पार कि भाई कोई जो नाव चलाने वाला है वो अगर हो तो आ जाए। तो उन्होंने दो तीन बार आवाज़ लगाई पर कोई हलचल नहीं हुई, तो उन्हें लगा कि यार अब तो दिक्कत हो गई, अब तो जाना पड़ेगा। तो वो मुड़ के वापस लौटने लगे, जो रेत का वो जो पूरा जो रेतीली जगह है वहाँ से नदी वाले नदी के किनारे से फिर वो ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो वो चलना शुरू हुए। फिर तभी उनको पानी में जैसे नाव आती है जो आवाज़ आती है वो उनको सुनाई दी, तो उन्होंने वो हलचल हुई तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो देखा कि नाव धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। तो वो खुश हो गए कि यार चलो बच गए आज तो। तो वो फिर दोबारा नदी के किनारे पहुंचे और देखा तो एक जो नाव वाला है वो नाव को उस किनारे तक ले आया। फिर क्या था, वो नाव में चढ़े और बैठ गए। उन्होंने देखा कि ये जो नाव चलाने वाला है ये कोई नया इंसान है, ये उसको नहीं जानते थे, जो कि वहाँ का रेगुलर था जो कि भैया भी बोलते हैं नाव को चलाने वाला, वो नहीं था वो। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप कौन, आपको तो यहाँ देखा नहीं, और गांव में ये होता है कि हर कोई हर किसी को जानता है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि छोटी सी जगह में कोई नया आदमी आ जाए और उसको आप जानते ना हो या फिर अचानक ऐसे हो जाए। तो वो जो इंसान था उसके जो चेहरे पे काफ़ी एक होता है ना कि एक बहुत ब्राइट एक फेस था, बहुत खुश जो इंसान होता है जो अलग से एक ऑरा होता है वैसा था। तो उसने बताया कि जो जो नाव चलाने वाला है वो जो रेगुलर जो चलाता है मैं उसका रिश्तेदार हूँ, और वो जो है उसकी अचानक से उसको कुछ काम आ गया या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको मतलब वो नहीं आ पाया, तो मैं आया उसके बदले। तो मामा को लगा चलो हो सकता है ऐसी कोई बात हो, वो वैसे भी उनको घर जाने की जल्दी थी और वो खुश थे कि चलो इस टाइम पे भी नाव मिल गई है और घर पहुंच के फटाफट खाना वाना खाया जाएगा। तो नाव चल पड़ी, और नदी जो है वो वैसे तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है पर अच्छी खासी मतलब चौड़ाई है उस नदी की, तो टाइम लगता है क्रॉस करने में कम से कम 10-15 मिनट मिनिमम। तो जब नाव अब नदी के बीच में जैसे आई तो वो जो नाव चलाने वाला है उसने पूछा कि भाई माचिस है तुम्हारे पास, और मेरे मामा स्मोक नहीं करते थे तो उन्होंने बोला नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है। तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ी नाव, तो फिर उसने जो हम तंबाकू रगड़ के खाते हैं खैनी जैसे बोलते हैं उसके लिए पूछा, और नॉर्मली गांव देहात में सबके पास वो रहते रहता ही है जिसमें आप चूना थोड़ा सा मिला के और हाथ में रगड़ के फिर वो खाते हैं। तो वो मामा के पास वो डब्बे में था तो उन्होंने बोला वो उनको वो नाव वाले को दे दिया, और दोनों चल पड़े भाई। उन्होंने भी बनाई, दोनों ने वो खैनी थोड़ी सी मुंह में रखी और आगे की तरफ चले गप्पे मारते हुए। बस थोड़े कुछ ही टाइम में नदी के उस पार पहुंच गए। अब तो भाई मामा जी तो थे जल्दी में कि उतरे और भागे घर की तरफ, तो उन्होंने भाई उसको नाव वाले को बोला शुक्रिया किया कि भाई चलो आप मिल गए वरना तो दिक्कत हो जाती है आज। वो भी मुस्कुराया और बोला कोई बात नहीं ये तो काम ही है। तो वहां से वो उतरे और
चलना शुरू किया, अब की बार नदी के उस पार थे वो, और फिर वैसा ही जो ढलान होती है ऊपर की तरफ चढ़ाई है, तो जैसे ही दो चार कदम वो चढ़े थे तो उनको अचानक से कुछ खटका। उनको दिमाग में आया कि यार ये बंदा जो बिल्कुल नया है, जो इसकी बातें थोड़ी अजीब सी थी, इसने बोला कि वो जो रेगुलर नाव चलाता है वो तो उसका रिश्तेदार है और वो बीमार है शायद। बट सुबह जब वो गए थे शहर में नाव, मतलब जब नदी पार की थी, तो वही इंसान था और ऐसा कुछ वो बीमार तो लग नहीं रहा था। और जहाँ तक उनको याद है उस इंसान का कोई ऐसा रिश्तेदार तो उस गांव में है ही नहीं, तो अगर कोई आएगा भी तो इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा। तो थोड़ा सा अजीब लगा उनको, तो उन्होंने पलट के देखा मतलब पूछने के लिए दोबारा से, और जैसे ही वो पलटे तो वहां पे सिर्फ नाव थी, वो आराम से नदी में झूल रही थी, जैसे एंकर उसका लगा हुआ था, और उसी नाव से वो आए थे। और अंधेरा था और सिर्फ नाव थी, और वो जो इंसान था वो वहां से गायब। अब गायब मतलब गायब, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि उस जगह से कोई अचानक से कहीं छुप जाएगा, वहां कोई पेड़ नहीं था नदी के किनारे, मतलब वो जिस तरह का वो जो घाट है वहां पे कोई पेड़ नहीं, सिर्फ रेत ही रेत है। तो अगर और कोई इतनी जल्दी कुछ सेकंड्स में वहां से भाग के भी नहीं जा सकता है, या कोई मतलब ऑब्वियसली नदी में डूब तो जाएगा नहीं। तो जब देखा कि वो गायब है, तब मामा जी की जो सिट्टी पिट्टी गुम हुई, उनको लगा ये तो कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने भागना शुरू किया। भागना तो क्या, चलना शुरू किया घर की तरफ, और फिर कब वो भागने लगे और कब वो घर पहुंचे उनको याद नहीं, पर हाँ जब वो घर पहुंचे तो वो पूरा पसीना पसीना हो चुके थे। और जैसे ही घर पहुंचे तो नानी ने उनको देखा, तो देखते ही वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी सारी जो कहानी थी उनको बताई, और जैसा कि होना था उनको अच्छी खासी डांट पड़ी, और जैसी उनकी हालत थी तो क्या ही डांट पड़ती, बट फिर उनको याद दिलाया गया भाई रात का टाइम है तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो नदी है, नदी के किनारे ही जो हम जैसे जो जो लाशें होती हैं, जो इंसान मर जाते हैं उसको जो उनको उनकी अंतिम क्रिया की जाती है, उनको जलाया जाता है, तो एक थोड़ा सा एक डर तो लोगों में रहता ही है उस जगह पे जाने से, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है, दिन में लोग जाते ही हैं आराम से, क्योंकि नदी में आना जाना तो होता ही है, लोग नहाते भी हैं, और अपने जो गाय भैंस होती हैं उनको भी वहीं पे ले जाना होता है, कपड़े भी वहीं धुलते हैं ज़्यादातर, तो ऐसा कुछ डर वाली बात तो होती नहीं, और गाँव में लोग डरते भी नहीं है क्योंकि उनको आदत होती है वैसे रहने की। पर खैर, तो ये कहानी थी, और ये कहानी हमें ऐसे ही सुनाई गई थी जब हम छोटे थे, और कहीं ना कहीं ये मुझे याद रह गई, क्योंकि जिस तरह की ये कहानी है ऐसी कहानियां ही हम फिल्मों में, या फिर जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, या थ्रिलर कुछ, या हॉरर आप कह लें, इस तरह की कहानियां होती हैं, जिस तरह का इसका एक विजुअल इम्पैक्ट है, तो वो शायद वजह थी कि वो अभी तक मुझे याद है। हो सकता है मैं जो अब ये सुना रहा हूँ तो इसमें मैंने भी कुछ कुछ अननोइंगली जोड़ दिया हो अपनी तरफ से, तो कहानियों का तो ऐसा ही है कि वो कुछ कहीं से शुरू होती हैं, उनमें कुछ जुड़ता चला जाता है और फिर वो कुछ और बन जाती हैं। जैसे हम माइथोलॉजी जो कहते हैं वो भी ऐसा ही होता है, किसी ने लिखी होती हैं फिर वो बढ़ती हैं, फिर कोई और लिखता है, फिर कोई और पढ़ता है, और एक जो फोकलोर होता है वो बन जाता है। तो ये एक कहानी थी, अब ये हॉरर थी या सिर्फ एक सिर्फ कहानी ही थी हमें डराने के लिए बचपन में, वो अलग बात है, वो मुझे फिर जब भी कभी मामा जी से मिलना होगा तो पूछूंगा भी हमें आपका नाम ले लेकर इस तरीके से डराया गया है बचपन में, तो बताइए ये सही था, या कितना सही था, या कितनी कितना इसमें इमेजिनेशन का तड़का लगाया गया था। तो ये कहानी थी, और आई होप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो लगी होगी आप लोगों को। नॉर्मली जो पॉडकास्ट है हम वो कविताओं पर रखते हैं, पर सोचा इस बार थोड़ा सा हटके कुछ किया जाए। और रही बात कविताओं की, तो जैसा मैंने पिछले साल आपको बताया था कि एक अनाउंसमेंट है, तो वो अनाउंसमेंट वैसे तो मैंने हर जगह कर ही दी है, और आप में से जो भी रेगुलर सुनने वाले हैं या जो फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनको तो पता ही है कि
जो मेरी बुक है पोइट्री की, जिसका नाम शब्द कम अर्थ ज़्यादा हो, वो फाइनली अब लाइव हो चुकी है, पब्लिश होकर बहुत से लोगों तक पहुंच भी चुकी है और धीरे धीरे और भी लोगों तक जा रही है। तो शब्द कम अर्थ ज़्यादा हो जो किताब में जो कविताएं हैं, वो कभी वो किसी और एपिसोड में कवर करेंगे, कुछ 3-4-5 जो कविताएं हैं उनमें से पढ़ेंगे और उसके ऊपर एक अलग एपिसोड रखेंगे जल्द ही। और फिलहाल उम्मीद है ये जो कहानी है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपके पास ऐसे ऐसे कोई किस्से हैं, कहानी हैं, जो हो सकता है आप ही के साथ कुछ हुआ हो या फिर किसी जानने वाले के साथ हुआ, तो बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि जो कहानियां हैं वो उनकी जो यात्रा है वो चलती रहनी चाहिए, तभी मज़ा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। कहानियों का तो मज़ा सुनने सुनाने में ही है। तो अगर कोई भी इस तरह की बात है तो उसे आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से या फिर लिखने के तरीके से, किसी भी तरीके से स्टोरी टेलिंग हो सकती है, उस तरीके से आप दुनिया तक पहुँचाएँ। तो मिलते हैं जल्द एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।